हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप जानते हैं हमारे आसपास जो एयर है वो काफी ऊंचाई तक मौजूद है, तो जैसे लिक्विड किसी बर्तन में रखा होता है वो एक दबाव डालता है। जैसे एक वेसल है या कहीं पर लिक्विड है, लिक्विड को अगर आप देखें, मैं ये पॉइंट अगर ले लूं तो इस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड होता है वो एक दबाव डालता है इस पॉइंट पर, उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे मेरा सर है, इसके ऊपर जो एयर है वो काफी ऊंचाई तक मौजूद है। वो एयर अगर पर यूनिट एरिया पर जो अपने वजन से दबाव डालती है किसी पॉइंट पर, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मतलब अगर आप इस लिक्विड की बजाय आप इसे एयर मान लीजिए, तो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो भी किसी पॉइंट पर एक दबाव डालती है अपने वेट की वजह से, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है ये 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, इसे पास्कल से भी लिखा जाता है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। PA इज द सिंबल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर एट द सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, वहां पर लिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, प्रेशर घटता है। तो ये जो प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेते हैं ये सी लेवल पे लिया गया है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आई हाउ टू मेजर, हमने ये कैसे मेजर किया, हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, उसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा छोटी क्लास में, उसका नाम है बैरोमीटर या मर्करी बैरोमीटर। इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, पूरा लिखना है तो आप कह सकते हैं मर्करी बैरोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर। कैसे काम करता है? कंसेप्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एक बर्तन में आप मर्करी ले लें, एक बर्तन में आप HG ले लें, मर्करी ले लें। इसके बाद एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ले लीजिए, जैसे आप ऐसे एक ग्लास की ट्यूब ले लें, इसमें मर्करी भर दीजिए, आप यहां मर्करी भर दीजिए HG, फिर इस ट्यूब को ले जाइए और इस मर्करी, इसके अंदर मर्करी मैंने दिखाया नहीं है, आप देखिए मर्करी भरा हुआ है, ये मर्करी सब भरा हुआ है। इसके बाद आप क्या करिए, इस ट्यूब को ले जाके इसमें उल्टा कर दीजिए, मतलब इस ट्यूब को ले जाइए और ऐसे इसके अंदर उल्टा कर दीजिए। जब आप इस ट्यूब के इसके अंदर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जो इसके बॉटम पर यहां पर मर्करी था वो धीरे धीरे नीचे आएगा और एक जगह पे जाकर के मर्करी सेटल हो जाएगा, ये HG सेटल हो जाएगा। और जब ये HG बेटा इस ट्यूब में नीचे आएगा तो ऑब्वियस बात है यहां पर जो HG का लेवल था, ये HG का, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और एक जगह पे जाकर के ये HG रुक जाएगा, करेक्ट। अब आप देखिएगा बेटा, इस ट्यूब में भी HG यानी मर्करी है, ये सब भी मर्करी है। यहां जब मर्करी यहां तक भरा हुआ था इस तरह से, जब ये नीचे आया है तो यहां इसका तो वैक्यूम आ गया है। इस जगह पर अगर आप पॉइंट पर प्रेशर ले लें, अगर आप इसको A से डिनोट कर दें, PA, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहां पर वैक्यूम है। अब आप देखिएगा, आपको पास्कल लॉ से पता है कि अगर लिक्विड रेस्ट में है तो प्रेशर एट द सेम लेवल मस्ट बी सेम। तो आप जरा सा यहां पर ऐसा पॉइंट आप एक सेलेक्ट करिए जो सेम लेवल पे हो। तो देखो बेटा, इस जगह पे अगर एक पॉइंट को हम सी से डिनोट कर लें, तो इस जगह पे जो प्रेशर होगा बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ये, क्योंकि आसपास हवा है। तो एक पॉइंट सी यहां पर लीजिए, बिल्कुल फ्री सरफेस ऑफ मर्करी पर, इस जगह प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी लेवल पे अगर एक पॉइंट यहां पर ले लीजिएगा बी, ये बी ले लीजिए, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा इस मर्करी कॉलम का होगा, अगर यहां पे कुछ प्रेशर है उसका भी इफेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं प्रेशर एट सी शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, बिकॉज ए प्रेशर एट द सेम लेवल इज सेम इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट। पॉइंट बी की ये जो लिक्विड कॉलम की हाइट है, यहां से इस हाइट को आप नोट कर लीजिएगा, यहां स्केल लगा होता है, स्केल में आपको हाइट पता चल जाएगा। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब लिक्विड रेस्ट में है, ये पास्कल लॉ होता है, क्या होता है, प्रेशर एट द सेम लेवल मस्ट बी सेम, दैट इज PC इक्वल टू PB। यह आएगा PC क्या है, प्रेशर एट दिस पॉइंट, अगर हमने PC से लिखा ये PA के बराबर, तो देयरफॉर PC को लिख दोगे PA, PA मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
इक्वल टू पी वी, बी पे प्रेशर क्या होगा बेटा, इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर एच रो जी, अगर रो इसकी डेंसिटी मान ले और इसका प्रेशर, तो बी पे प्रेशर आएगा पी ए प्लस एच रो जी, इसका प्रेशर एच रो जी, क्योंकि पी ए जो है वैक्यूम का प्रेशर है इसलिए आप जीरो लिख सकते हैं, तो देयरफॉर पी ए इक्वल टू जीरो प्लस एच रो जी। आप इसे सॉल्व करें, एच इज व्हाट दिस हाइट, जब बेटा इस प्रेडिकल को सी लेवल पे किया जाता है तो मर्करी के इस कॉलम की हाइट जो होती है ये एच हाइट, ये 76 सेंटीमीटर आती है और ये रो जो है मर्करी की डेंसिटी है, तो आप ध्यान रखिएगा एच जो आएगा, फिलहाल हम एच रो जी एक बार लिख लेते हैं, ये आ गया जहां पर एच इज द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, सी लेवल पे 76 आता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो इसे अगर सॉल्व करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा इट इज 76 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लीजिएगा 10^-2 आ जाएगा बेटा, मीटर में कन्वर्ट करिएगा, रो डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 होता है इंटू 10^3 आ जाएगा, जी को आप 9.8 लगिए और इसे सॉल्व करिएगा 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल आएगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको निकालने का तरीका जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक चीज प्रिकॉशनरी बता दें, जब ये मर्करी ऊपर से नीचे आता है तो यहां वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो यहां पर प्रेशर असल में जीरो होता है, लेकिन मर्करी थोड़ा सा वेपराइज भी होता है, तो हो सकता है यहां पर हमेशा आपको वैक्यूम ना मिले, अगर मर्करी ने थोड़ा सा वेपर यहां क्रिएट कर दिया है तो इस जगह पर प्रेशर फिर जीरो नहीं होगा, क्योंकि मर्करी वेपर का कोई ना कोई प्रेशर होगा, इसलिए ध्यान रखना अगर वैक्यूम है तो ये जीरो है, अगर मर्करी वेपर क्रिएट कर देता है तो प्रेशर जीरो नहीं होगा, कुछ होगा, ऐसे केस में क्वेश्चन में उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बेटा इस लेक्चर में हमने यहां पर बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है और मर्करी बैरोमीटर से इसे मेजर कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई जरूरत है, डिमांड है किसी लेक्चर की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।